अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। व्यूअर्स, कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी मेरे यूट्यूब में, जहां पर ये रिलेटेड था कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, कैसे इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो फिर मैंने कॉल एक डाला था जहाँ पर बंगाली लैंग्वेज के थे, तो मेरे भाई ने फिर सॉल्व किया। भाई, मुझे समझ में नहीं आया, तो बताओ कि आपको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शन है नहीं यहाँ पर मोनेटाइज में। अगर यहाँ पर देखेंगे डैशबोर्ड पे, तो मेरा बहुत सारे वीडियो है और मेरे यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 3000 के करीब सब्सक्राइबर है और वॉच टाइम 0.1 है और व्यूज ओनली 20 है 20। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कुरान रिलेटेड वीडियो था, इस्लामिक कंटेंट था। तो ये प्रॉब्लम का कारण ये है कि मैंने कुछ दिन पहले दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियो मेरे यूट्यूब में डाला था, इसलिए मेरे ये समस्या आया है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका कि आप जो वीडियो आपने यूट्यूब पर डाले हो, तो उस सब वीडियो को डिलीट कर दो और अपना खुद का यूट्यूब जो है यूट्यूब कॉन्टेंट डालो। आप खुद वीडियो करो, खुद कुछ भी करो तो डालो। आप चाहे तो ऑडियो यूज़ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो मैं नेक्स्ट वीडियो का आप लोगों को बताऊंगा कैसे कर सकते हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप सारे वीडियो को डिलीट कर दो। मेरा ही खुद का कंटेंट है, तो इसलिए मैं नहीं डिलीट करूँगा। आप चाहे तो कर दो आपका जो वीडियो है, और देन फिर नया वीडियो डालो। डालने के बाद जब आपका 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, देन ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम हट जाएगी। तो आज की वीडियो यहाँ तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।